अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर हमजा जी। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आपको जी आज जो है वो पार व्यू में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन हो रही है जी न्यू ईयर पे, उसके मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सेकेंडली जी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पे जो है वो अभी नई डेवलपमेंट हो रही है पार व्यू सिटी में, और आपको इंशाल्लाह ताला सारी इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद लोग भी देख सकें ये वीडियो। ये जी मैं एंटर हूँ पार व्यू सिटी में और यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेशन जो है न्यू ईयर की, उसकी तैयारियाँ रूज पे हैं। और आपको जी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं और तैयारियाँ क्या क्या कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त फायरवर्क्स है जी, और बहुत ही बड़ा फायरवर्क होगा इस दफ़ा, पिछले साल से बड़ा होगा। फूड स्टॉल्स होंगे, लाइट मैपिंग होगी और बहुत कुछ है जी, और लाइव म्यूजिक वगैरह सब कुछ होगा। तो आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएँ, फैमिली वाला माहौल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो यहाँ पे फायरवर्क होगा। तो 9 बजे तक जी, 9-10 बजे तक आप लोग आएँ यहाँ पे अपनी फैमिलीज को लेके, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना वो फंक्शन होगा यहाँ पे। तो ये जी हम पार व्यू सिटी में एंटर हो रहे हैं और आपको तैयारियाँ दिखाता हूँ कि पार व्यू सिटी इस टाइम क्या तैयारियाँ कर रहा है। ये एंट्रेंस है जी, और ये लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं लगी हुई, ये एंट्रेंस गेट पे लाइट्स हैं। और फिर हम मज़ीद अगर अंदर जाएं तो इस साइड पे भी इन्होंने इसी तरह से लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है जो वापस आने वाली है। अच्छा, ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं लाइट्स, ये सामने पहाड़ों पर होंगी और इनका जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इफ़ेक्ट होगा। तो इसी तरह जी फैमिली फंक्शन है जी, आप अपनी फैमिलीज को लेके आएँ, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इस रात को। न्यू ईयर नाइट है जी, और सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ का प्रॉपर इंतज़ाम है। बहुत फूड स्टॉल्स होंगे, लास्ट टाइम इन्होंने ये किया था कि फूड स्टॉल्स नहीं अरेंज किए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ा था कि उनको खाने पीने की चीज़ें जो है वो मुहैया नहीं थी यहाँ पे। इस बार जी इन्होंने फूड स्टॉल्स का बकायदा प्रॉपर इंतज़ाम किया है, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का होगा ये। आपको इस गोल चक्कर पे भी लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, और चलो जी हम आगे से भी हो आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे ऑफिसेज आ गए, और कमल इंटरप्राइजेस जी, और आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल मिलेगा यहाँ पे, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिसमें सबसे मेन अट्रैक्शन फायरवर्क्स होगा जो न्यू ईयर पे होता है। आप देख सकते हैं जी सामने लाइट्स वगैरह इन्होंने बहुत प्रॉपर लगाई हैं, स्क्रीन्स वगैरह, और ये तो आपको जी सब कुछ जो है वो रात के टाइम ही पता चलेगा कि ये लाइट्स कैसा जो है ना इफेक्ट पेश कर रही हैं। और तैयारियां हो गई हैं जी, आप सबको यहाँ पे पार्क व्यू सिटी में जी दावत है, आप सब ने अपनी फैमिलीज के साथ आना है, जो दोस्त वगैरह इकट्ठे होके आना चाहते हैं वो भी आएं, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। जो फैमिलीज आ रही हैं, जो लोग अपने घर वालों के साथ आ रहे हैं, अपना एंजॉय करें जी। ये आपके सामने लाइट्स वगैरह सारी जो है ना वो तैयारियां हो रही हैं। ये हम हेड ऑफिस के सामने हैं, और इसके साथ ही जी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो गालबन ओवरसीज और गोल्फ को मिलेगी। आए चल के देखते हैं ज़रा कि वहाँ पे क्या है। अच्छा जी, अभी जी मैं मौजूद हूँ फूड कोर्ट में,
और फूड कोर्ट से जो है इसका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है सामने, जो सारी नई जगह डेवलप हो रही है उस जगह का। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस टाइम फूड कोर्ट है सारा, और एक तरफ जो है वो हेड ऑफिस की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ फूड कोर्ट में, और फूड कोर्ट का काम भी काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ना हर चीज़ रेडी है, इंशाल्लाह इसकी भी जल्दी इनॉग्रेशन है। और साथ साथ जी ये सामने आप जगह देख सकते हैं, ये सामने सारी ओवरसीज गोल्फ की जगह है, ये आपको नज़र आ रही है ये सामने। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि गेट टू के ऑपोजिट होगी, इसके दरमियान से गुजर रही है जी मलोट रोड, और मलोट रोड के दूसरी साइड पे ये सारी जगह है, ये आपके सामने सारी जगह है। मैं हाइट से इसलिए दिखा रहा हूँ जी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी बड़ी जगह है जहाँ पे ये ओवरसीज़ और ये बनाने जा रहे हैं। आ रहा था तो ये साथ ही जो है वो अलीम खान साहब यहाँ पे आए फूड कोर्ट की इनॉग्रेशन के लिए, और उसके बारे में वो कुछ ब्रीफिंग वगैरह कर रहे थे जो मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मैं लेट आया यहाँ पे, मुझे नहीं आइडिया था, तो इस वजह से जो है इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई यहाँ पे। लेकिन आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब जो है वो पर्सनली इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में हर दूसरे तीसरे दिन इनका विज़िट होता है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं ये यहाँ पे कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, जिस तरह फूड कोर्ट में आए हुए थे, एक एक चीज़ खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, ख़ुद अपने नोटिस में लेते हैं कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, और हर चीज़ की क्वालिटी बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो हैट्स ऑफ टू यू खान साहब, माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि खान साहब का जो है ना एक पर्सनली इंटरव्यू लूँ, जिसमें खान साहब से सारी जो यहाँ के बारे में ब्रीफिंग है और किस तरह इस सोसाइटी को बनाने का ख्याल आया, किस तरह से क्या हुआ, ये सब इनके साथ बैठ के तो एक उस पर चैनल पे अपने जो है वो आप लोगों को बताऊं, ताकि जो लोग अभी तक पर्सनली नहीं इनसे मिले वो मिलें, और इनका जो है वो करें, वो इनको जान सकें कि ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग जी इतना ही था, उम्मीद है जी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना व्लॉगर हमजा जी आपसे जाना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।